दोस्तों क्या होगा अगर हम इंडिया, चाइना और पाकिस्तान में बनी बुलेट्स यानी बंदूक की गोलियों को हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे रख देंगे। ये तो हम सभी जानते हैं कि हाइड्रोलिक प्रेस कितना ज्यादा पावरफुल होता है, लेकिन इंडिया, चाइना और पाकिस्तान में से कौन सी बुलेट्स हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे टिक पाएगी, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमारे प्यारे देश भारत में बनी बुलेट को हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे रखते हैं और दोस्तों जैसे ही हाइड्रोलिक प्रेस का वजन इस बुलेट पे पड़ता है तो ये पिचकने लगती है और 7.5 टन का वजन पड़ते ही एक जोरदार ब्लास्ट के साथ पूरी तरह से पिचक जाती है। चलिए अब चाइना में बनी बुलेट को हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे रखते हैं, हालांकि इससे कुछ ज्यादा उम्मीद तो नहीं है। और दोस्तों वही बात हुई, ये बुलेट तो सिर्फ 2.5 टन का वजन पड़ते ही पूरी तरह से पिचक जाती है। चलिए अब पाकिस्तान में बनी बुलेट को हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे रखते हैं। उससे पहले सच्चे भारतीय इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में जय हिंद जरूर लिख दीजिए। और दोस्तों पाकिस्तान में बनी बुलेट ने भी हाइड्रोलिक प्रेस को काफी अच्छी टक्कर दी और इसने 5.5 टन तक का वजन सहन कर लिया।